भाई टेस्टिंग करने के लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। देखो दो पोलो खड़ी है, सेम कंडीशन, सेम गाड़ी है। प्रॉब्लम क्या है, एक गाड़ी में है मिसिंग की प्रॉब्लम। भाई सब कुछ कर लिया A to Z, ज्यादा नहीं मिसिंग। टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं भाई, देखो ये है एक गाड़ी, इसकी वायरिंग से ये दूसरी वायरिंग अटैच की है। ओके, मतलब इसके ECM से ये वाली गाड़ी स्टार्ट होगी। ये देख लो जी, ये है गाड़ी स्टार्ट। ओके, ये इसका मीटर क्लस्टर, RPM कोई काम नहीं कर रहा, ना ही एक्सीलेटर पैडल काम कर रहा। देखो काम कर रहा भाई इस गाड़ी से, उसका इंजन इसका बंद पड़ा हुआ है। ये देखो जी, इंजन बंद पड़ा, पावर स्टीयरिंग काम कर रहा है, RPM काम कर रहा है, रेस काम कर रहा है। देखो लेकिन गाड़ी ये नहीं, वो सामने वाली गाड़ी स्टार्ट है। ये देखो, दे बेटा एक्सीलेटर। ये देख लो जी, यहाँ पे बंदा कोई नहीं है, यहाँ बंदा एक्सीलेटर दे रहा। देखो ये, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ श्याम सिंह मंडी हिमाचल से। आज फ्रेम के अंदर आप दो पोलो देख रहे हैं, बिल्कुल हमने आमने सामने लगा रखी हैं। और वीडियो बनाने का मेन मतलब है, गाड़ी के ऊपर है मिसिंग तगड़ी वाली, जिसके ऊपर हम काम करेंगे आज। और ये मिसिंग ऐसी है भाई, शॉर्ट आउट नहीं हो पाई। अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी तरह बंदे और भी फंसते हैं इस तरीके से काम करते करते। और मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलूँ आपको, इस वीडियो को भैया पूरा देखें, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो खींचूँगा नहीं, 5 से लेकर 10 मिनट या 9-10 मिनट की ये वीडियो बनाऊँगा मैं। उसके अंदर मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ओके, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा मैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तब आपको A to Z जो है समझ आएगा अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या रियलिटी मरसत बीती है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूँगा, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम नोटिस करूँगा, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। दो गाड़ी हमने आमने सामने लगा रखी है, क्या प्रॉब्लम उसके अंदर है और किस कारण हमें ऐसी ऐसी टेस्टिंग करनी पड़ती है, मेरे को बंदे फंस जाते हैं। ठीक है, एक पोलो भाई ये है, देखो सारी फिटिंग फुटिंग हो रखी है। सबसे पहले गाड़ी को मैं स्टार्ट करके आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। अभी देख लो, इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करूँगा, इसमें थोड़े लॉक में के अंदर दिक्कत है, तब मेरे को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये गाड़ी होगी स्टार्ट। ओके, इंजन चेक करिए इसका बेटा, बढ़िया करके दिखाओ। बिल्कुल इंजन देखो स्मूथ है, कोई इसके अंदर मिसिंग की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर हमने फिटिंग फाटिंग खोल रखी है, देखो इधर वाली साइड से, बाकी गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और गाड़ी के अंदर देखो कोई भी चेक इंजन की लाइट नहीं है, गाड़ी बिल्कुल रेस बड़ी लेती है। ये देखो जी, सिर्फ हमने इसका लॉक खोल रखा है क्योंकि इसके लॉक के अंदर प्रॉब्लम है, सेल्फ लेती नहीं है, 2-3 बार करना पड़ता है। ये देख लो जी, गाड़ी के अंदर आपको स्मोक भी चेक कराता हूँ। ओके, गाड़ी के अंदर कोई स्मोक नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ पानी गिर रहा है क्योंकि हमने इसकी काम किया हुआ गाड़ी का और सिलेंडर वगैरह साफ किया हुआ है। ये वही गाड़ी है, अभी तक मैंने इस गाड़ी का वीडियो नहीं डाला है। इस गाड़ी का एक्चुअली इंजन ब्लास्ट हो गया था, क्यों ब्लास्ट हुआ आपको मैं वीडियो दूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले आपने वो चीज़ ध्यान देनी है। अब आपको मैंने ये गाड़ी तो बता दी है, अब दूसरी गाड़ी बताता हूँ आपको मैं। ये है भाई दूसरी गाड़ी। ओके, इंजन देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया हुआ है हमने, ओके रिपोर्ट है सारा। बेटा कर गाड़ी स्टार्ट कर। बिल्कुल कोल्ड गाड़ी हमने दूसरी भी स्टार्ट की थी, साथ वाली अब बंद कर दिया है। और ये भी देख लो, अब इसके अंदर है भाई देखो मिसिंग की प्रॉब्लम। ये देखो इंजन देखो वाइब्रेट कर रहा है, ये देख लो, अब थोड़ी देर के बाद और मिसिंग करती है, लंबे लंबे सांस भरती है। ये देखो, और ये देख लो भाई गाड़ी का मीटर क्लस्टर, चेक इंजन की लाइट भाई इसके अंदर भी नहीं है। बेटा गाड़ी बंद कर, कर स्टार्ट। ये देखो जी, ओके रिपोर्ट, कोई लाइट शाइट नहीं है भाई इसके अंदर चेक इंजन की, ना ही कोई लाइट ब्लिंक कर रही है। RPM देख लो भाई इसका, ये करता फ्लक्चुएशन। ये देख लो भाई, ये देखो जी, ये देखो जी, अब चेक इंजन की लाइट भी आ गई इसके अंदर, इसका जो है एडिशनल वाटर पंप ख़राब है भाई। और यहाँ देख लो, पर भाई RPM इस तरीके से नहीं होना चाहिए, गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट हो सब कुछ हो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इस तरीके से वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, RPM फ्लक्चुएशन नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में गाड़ी देखो स्मोक कर रही है, बेटा रेस मार। ये देखो जी, ये देखो जी, ये धुआं भाई इतना जहरीला आंखों में लग रहा है। देखो ये देखो, बस
दे भाई फिर दे ऐसे छोड़ दे, चल बस छोड़ दे। ये देखो जी, ये देखो इंजन वाइब्रेट कर रहा है। ओ देखो भाई धुआं देखो सामने, आप देखो लंबे लंबे सांस लगे हैं भरना इंजन। ये गाड़ी बंद कर बेटा, कर स्टार्ट। भाई स्मोक भी देख लो साथ साथ में, ये है भाई प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर। ओके बेटा ऑटो जरा कर, आरपीएम भी दिखाते हैं इसका फिर से एक बार। ये लगी भाई थक 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 थक, ए ए ओके कर दे भाई गाड़ी के अंदर बंद। अब मैंने आपको दोनों गाड़ियों की कंडीशन बता दिया है। ये गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, इस गाड़ी का भी मैंने इंजन असेंबल किया है, इस गाड़ी का इंजन ब्लास्ट हो गया था, ओके रिपोर्ट काम किया, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। चेक चुक हमने गाड़ी कर ली है, रोड टेस्ट गाड़ी का हो चुका है, बिल्कुल गाड़ी फाइनल है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। गाड़ी डिलीवरी के लिए है, बस एक दो दिन के लिए रोकी है मैंने, मैं कहा चल चेकिंग कर लेता हूँ इस गाड़ी को। और ये गाड़ी भी हमारे पास इंजन के लिए आई हुई थी, इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा खतरनाक हाल था, वीडियो मैं आपको इसका भी दूंगा, ऐसा नहीं है इसका वीडियो नहीं आएगा। और ये गाड़ी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब ये 2-3 महीने मेरे पास हो गया गाड़ी को, आपने बहुत सी वीडियो के अंदर ये गाड़ी देखी भी थी, ये HR नंबर गाड़ी है। और गाड़ी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी, हर एक चीज़ प्रॉब्लम हमने ओके रिपोर्ट किया, कोई लीकेज फीकेज नहीं हमने छोड़ी। और इस मिसिंग के चक्कर में भाई साहब आप बोलेंगे भाई मिसिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बंदे कमेंट यहाँ पे करेंगे भी इंजेक्टर की प्रॉब्लम है। भाई साहब 18 इंजेक्टर डाल दिया मैंने गाड़ी के अंदर, जितनी भी पोलो बन के गई है ना आज तक, हर एक गाड़ी के इंजेक्टर इस गाड़ी के अंदर डाल के देखे हैं। जिसके पास मैं इंजेक्टर रहता हूँ उससे भी कराए, बंदा भी चेंज कर लिया, MM का वासल जो होता है वो भी छोटा कर लिया, फिर भी गाड़ी के अंदर दिक्कत थी। इंजन का काम हुआ, पिस्टन टॉपिंग सही है, हेड गैस की स्टैंडर्ड साइज का, 2 बार हमने इस गाड़ी का हेड खोल दिया चेक करने के लिए, भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं छोड़ दी हमने कहीं, या लेथ वर्क वाले के पास दिक्कत तो नहीं है, हेड के वाल ने वाल सीटें गाइड है। पहली बार तो हमने ये काम ओके रिपोर्ट करा दिया, रॉकर कैप्सूल चेंज कर दिए, केमें बदल दी, केम रिटायर कर दी, केम एडवांस कर दी, हाई प्रेशर पंप बदल दिया, टंकी का पंप बदल दिया। इवन तक मैंने बोलता भी कोई ऐसी आइटम नहीं है जो चेंज नहीं किया है, इवन तक हमने इस गाड़ी का जो ECM है किट जो होती है वो भी दूसरी गाड़ी के अंदर डाल के देख ली, वो भी सही है, इस गाड़ी का उसके अंदर डाल के देख लिया, इस गाड़ी के अंदर उसके अंदर डाल के देख लिया, भाई गाड़ी तब भी सही नहीं है। अब आप सोचोगे भी इतना कुछ हमने कर दिया, जड़ मूड़ तक छोड़ा कुछ नहीं है, तो गाड़ी के अंदर बचा क्या, बताओ भाई क्या बचा आप गाड़ी के अंदर, भाई कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, कई बार ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं ना भाई, हम जैसे ही फंस जाते हैं, कई बंदों को मैंने फ़ोन किया ऐसे ऐसे फॉल्ट है, बंदे यही बोल रहे हैं भाई इंजेक्टर चेक करिए आप। इवन तक मैं आपको बता दूँ इसके अंदर रॉकर आते हैं 3 मॉडल के, पोलो के अंदर वैसे 2 मॉडल के आते हैं, हमने 3 मॉडल के रॉकर क्लीयरेंस नाप के A to Z सब कुछ ओके रिपोर्ट कर दिया, फिर भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी चेक इंजन की लाइट आती नहीं है, गाड़ी गर्म होके थोड़ी ठीक हो जाती है लेकिन 1800 के RPM के पास जब हम गाड़ी को स्लोली स्लोली खींचते ना कुछ टाइम गाड़ी मिसिंग करती है, ठंडी गाड़ी भाई इस तरीके से नकाके मारती है और गर्म गाड़ी ठीक हो जाती है। तो ये है भाई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम जो मैंने आपको क्लियर कट बताई है। अब इसके लिए हमने एक तरीका सोचा है जो मैं आपको बताता हूँ, हमने इसकी वायरिंग के साथ इसके ECM के साथ ये इंजन स्टार्ट करना है और इसके साथ हमने ये इंजन स्टार्ट करना है, कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। गाड़ी हमने चाबी ये ऑन करनी है, सेल्फ मारेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी, और जब हमने इसकी वायरिंग के साथ इसको अटैच करना है तो इस गाड़ी को हम सेल्फ लगाएंगे, चाबी ऑन करेंगे इसको सेल्फ लगाएंगे तो इंजन ये स्टार्ट होएगा। इस चीज़ से हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास चेकिंग का और मिसिंग का भी, हम फाड़ तक पहुँचेंगे कैसे। ओके तो ये एक मेरा मेथड है,
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहा। मैं सोचता हूँ भी मेरे जैसे भाई कई ऐसे फंसते हैं जो ऐसे ऐसे फॉल्ट में फंस जाते हैं, नहीं भाई गाड़ी सुधरती क्या करें, गाड़ियाँ भी कई बार कसम खा के आती हैं भाई, मैंने नहीं सुधरना, तू जितना बड़ा मैकेनिक है भाई तेरे को मैं दिखा दूँगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो अभी के लिए हमने देख लो क्या किया हुआ है इसके अंदर, इंजन ये पड़ा हुआ है, इसकी वायरिंग ये वाली है, ये इसके दो कपलर है, ये बिल्कुल साइड कर दिए, ओके। और ये इसका ECM है, बड़ा कपलर लगा हुआ है इसका, सेंटर वायरिंग हार्नेस का, और ECM का कपलर देख लो जी, इसके अंदर लगाई है हमने ये वाली वायरिंग, और ये कपलर होता है, ये आ रहा देखो इधर से, ओके, ये आ रहा है इस इंजन का, ओके। बैटरी दोनों के अंदर लगी है। इस गाड़ी से हम ये वाला इंजन स्टार्ट करेंगे, ये वाला इंजन स्टार्ट नहीं होगा जो गाड़ी के अंदर है, सिर्फ ये वाला इंजन स्टार्ट होएगा। कैसे होता है वो बताता हूं बेटा, कर चाबी ऑन इसकी, ये देख लो जी चाबी हमने ऑन कर दी इसकी, ये कर दिया मैंने इस गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन, इसके अंदर थोड़ी स्विच की प्रॉब्लम है, ओके। ये देख लो जी, ये हो गया इंजन स्टार्ट है वाला, अब मैं रेस दूंगा भाई, बेटा इधर आ जा ताकि दिखा भी दे ना, आ जा इधर आ जा घूम के मेरे पास आ जा, दबा दबा आ जा दबा दबा, ये देखो जी इसका कोई भी RPM का कांटा काम नहीं कर रहा देखो, और ना इसका एक्सेलेटर काम कर रहा है, सिर्फ सेल्फ इससे लगेगी इस गाड़ी से, क्योंकि भाई इंजन के साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है, नीचे वाली वायरिंग हमने अटैच नहीं किया है, सेल्फ लगेगी सिर्फ इस गाड़ी से, ओके। बेटा पल्ली गाड़ी में रेस दे, ये देख लो जी इंजन स्टार्ट है, गाड़ी के अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, ओके, हो गया टेक्नीशियन उसके अंदर, दे भाई एक्सेलेटर दे, दे रहा बढ़िया, ओके। ये देख लो जी, दे बेटा रेस दे, इस गाड़ी का भाई इंजन बंद पड़ा हुआ है, बस बेटा बस रे चारों दे रेस, ये देख लो जी, ये देख लो, बस 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 बेटा, ये देख लो। अब यहाँ से मेरे को ये चीज़ कन्फर्म हो गई है, इसकी जो वायरिंग है ECM है ये भी ओके है, और इसकी वायरिंग से भाई ये इंजन स्टार्ट है, और ये इंजन बिल्कुल स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं है, ओके रिपोर्ट। अब बड़े बंदे कमेंट करेंगे भाई आपने ECM किट क्यों डाली, ECM ट्रांसफर क्यों किया, भाई जितने पापड़ मैंने पहले हैं इतना का काम मैं छोड़ूंगा, वो भी भाई कर लिया हुआ हमने, ये मैं गाड़ी फिलहाल के लिए मैंने बंद कर दी, ये मोटर की सप्लाई है बंद कर दिया, इसी से मेरे को ये चीज़ कन्फर्म हो गई है इस गाड़ी की जो सेंटर वायरिंग हार्नेस है सही है, ओके। और देखो कंपनी के हिसाब से हर एक डाटा चेक होता है, कई बार बाहर के जो मैकेनिक होते हैं उनके पास डाटा नहीं होता, ओके, हमने तकरीबन सारा डाटा मिला लिया भाई, फिर भी बात नहीं मारी बन पा रही है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हैं वो है। ECM किट मैंने दोनों की चेक की, ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। अब इसकी वायरिंग चेक हो गई है, अब इस गाड़ी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मेरे को ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी इसकी वायरिंग सही है कि नहीं सही है। वायरिंग हमने खोल खाल के सारी एक एक वायरिंग चेक कर ली है, टेप टूप कर दी है, कोई परेशानी नहीं है, वायरिंग का डाउट मेरे को है नहीं है, लेकिन हेड वाला बोलता भाई मेरे उसमें फॉल्ट नहीं है, हमारा काम तो असेंबल करना है, हर एक चीज़ हमने चेक कर लिया, क्लीयरेंस चेक कर लिया, गेज लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन फॉल्ट फिर भी है, तो करते हैं भाई फिर से आपस में इंटरचेंज इसको। आप देख लो जी हमने इसकी जो वायरिंग है इस इंजन की अलग कर दी है, ये इसके कपलर पड़े दोनों साइड में कर दिए, और इस इंजन की जो वायरिंग है ये हमने अटैच किया है भाई, देखो जा रही है इस ECM के अंदर, सेंटर वायरिंग हार्नेस का कपलर और इंजन का कपलर, ओके। अब इसका हम इग्निशन ऑन करेंगे, सेल्फ लगाएंगे उसके अंदर, और ऑपरेशन जितना भी होगा सारा इस गाड़ी से इस इंजन के लिए होएगा। चल बेटा, ये भाई चाबी कर दी मैंने इसकी ऑन, ये देख लो जी लाइट आ गई मीटर के अंदर, ये आ गया भाई मैं दूसरी गाड़ी के अंदर, देख लो जी इग्निशन ऑफ करता हूँ एक बार, मैं पहले ऑन कर दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे सेल्फ लगाना है, गाड़ी के इंजन स्टार्ट हो गया और होते सार ही बंद हो गया, ओके बाहर जाता हूँ मैं एक बार। चल भाई मार साल मार, ये देखो जी कितना फ़र्क है भाई इसके अंदर और उसके अंदर, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो रही है, इंजेक्टर कोडिंग का भी फ़र्क होता है, लेकिन भाई गाड़ी देखो बंद हो रही है, और दूसरी वाली गाड़ी स्टार्ट थी, ये फ़र्क है भाई देखो। चल बेटा चल फिर से, ये देखो जी
अब थोड़ी देर में इन्हें काके लेना शुरू करता है। वो देखो जी, ये देखो जी, ये लग रहा भाई मिसिंग करने। देखो क्या पंगा बेटा, बता। अब मैंने क्या बताना, बता जल्दी कर, वीडियो बन रही है लाइव, तुम तो मेरी बेइज्जती कराओगे। क्या फॉल्ट है, किस गाड़ी में फॉल्ट है? इसमें फॉल्ट है। हाँ तो जोर से बोल ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोल, ताकि पता लगे ना। आप क्या फॉल्ट लग रहा है इस गाड़ी के अंदर? अब मिसिंग तो कर रही है, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या फॉल्ट होगा? अब वायरिंग सही है, ECM सही है, है ना? ये देख लो जी, धुआं लग रही है मारने। बेटा रेस दे उस गाड़ी से, वो इंजन बंद पड़ा हुआ, देखो लड़का जा रहा रेस देने। देखो चल बेटा रेस दे। ये देखो धुआं लग रही मारने, बस इस गाड़ी के अंदर देखो भाई कोई नहीं बैठा हुआ। ये कर रहा भाई इंजन मिसिंग, देखो ए बेटा गाड़ी बंद कर, बरसे कर बेटा, चाबी करो ऑन इसकी, लगा साल भाई। थोड़ी देर के लिए तो भाई इतनी शांति रहती है इसके अंदर ना भाई, मजा आता है इसको बोलते हैं, साउंड सुन के। अभी देखो भाई बिल्कुल स्मूथ है गाड़ी, ए लगी लगे, ये देखो ए लगी, देखो इधर ना देखो, बंद कर दे भाई। अब आपने भाई कंडीशन देख लिया है, गाड़ी मिसिंग अभी भी कर रही है, इस तरीके की भाई टेस्टिंग नेक्स्ट लेवल जिसको बोल सकते हैं करनी पड़ती है। अब इंजन निकाल के भाई उस गाड़ी में डालें या उसका इंजन इसके अंदर डालें, इतना स्यापा कौन करे, बार बार से ऐसा भी हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है ये, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ भी इस तरीके की हम टेस्टिंग करते हैं भाई, जब फॉल्ट नेक्स्ट लेवल चलते हैं ना तो इस तरीके की टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब आपने देख लिया इंजन कितना स्मूथ हो रहा है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता है भाई, ऐसे ऐसे लग जाता करने, और कच्चा धुआं जैसे डीजल अंदर जलता नहीं है गाड़ी के अंदर। अब बंदे अपना अपना दिमाग लगाएं, कुछ कमेंट करें, एक अच्छा सा कमेंट करें जो मेरे को समझ आए भी मैं ऐसा बदलूं कि गाड़ी ये ठीक होए। गाड़ी तो मैं ठीक कर दूंगा, छोड़ने वाला तो मैं है नहीं हूँ, फॉल्ट मेरे को लग गया पता अब इस चीज़ से करने के बाद भी। गाड़ी क्या है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही ECM से रिलेटेड है, ना ही वायरिंग से रिलेटेड है, फॉल्ट गाड़ी के अंदर हेड के अंदर ही है या कहीं और से फॉल्ट निकलता है। वो जब इस गाड़ी का वीडियो आएगा ना उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा ये फॉल्ट कहाँ से निकला। इंजेक्टर का तो भाई है नहीं है, केमें बदल नहीं है, केमों का कोई फॉल्ट नहीं है, केम हमने दूसरी लगा दी है, इसमें दो सेट हमने केमों के बदल दिए हैं। रॉकर कितने बदले हमने इसके अंदर? चार सेट हमने रॉकर के बदल लिए भाई, नए पुराने सब लगा लिए हैं। और क्या क्या बदला, वाल बदल दिए भैया, पुराने वाल भी इसके यहाँ पड़े हैं बेटा काउंटर पे, पड़े वाल भी लिया वो पड़े सामने काउंटर के ऊपर, वाल भी हमने दो बार इसके चेंज करा दिए हैं, वाल की गाइडें भी करा दी है चेंज, सीटें भी करा दी है एवन तक चेंज, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कोई भी हमने छोड़ा नहीं इस गाड़ी का, हाई प्रेशर पंप, टंकी का पंप भी प्रेशर लो बनता हो, ये तो एक होता है भी हिट एंड रन वाला केस इसको बोलते ना, तुक्का मार लिया, ट्रायल मार लिया, पर एक्चुअली ये फॉल्ट है नहीं है, पर जब बंदा फंसता ना तो ये चीज़ें कर देता है, तो हमने भी कर ली दिल रखने के लिए, यार ये भी बदल दे चल, अपने पास पड़ा है डाल लिया। अब जो बंदे के पास नहीं पड़ा बंदा सामान वो कहाँ जाएगा भाई, तो दिमाग ला के जब भी ये काम करें। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था भी टेस्टिंग इस लेवल तक भी करनी पड़ जाती है गाड़ियों की। बाकी जो भी है ये गाड़ी तो कंप्लीट है, ये गाड़ी तो डिलीवरी होने वाली है, बस की पैकिंग वुकिंग करते हैं और फाइनल आपको वीडियो देंगे इसका। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मुसीबत के साथ। ऐसी ऐसी मुसीबतें भाई वर्कशॉप के अंदर हमारे साथ आ जाती हैं, तभी मेरे बनाने का मेन मकसद यही था। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जो भी आपके कमेंट है वो मेरे को मंजूर है, पर एक अच्छा सा कमेंट दें, बड़े बंदे भाई नेगेटिव कमेंट देते हैं, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हम क्या ये सोच के बनाते हैं भाई कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाए, हमारे को यूट्यूब से पैसा आ जाए, इसके लिए भाई इतना वो नहीं है।
हमारे को भगवान का दिया, यहाँ पे बहुत कुछ है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन एक नॉलेज पर्पस के लिए आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो भैया लाइक और शेयर जरूर बनता है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्प मैं जब मर्जी करता हूँ, टाइमिंग मैंने दे रखी है, नंबर मैंने अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो टाइमिंग दिया है भैया उसी टाइम पे करके। दिन में यहाँ पे रश होता है, गाड़ियाँ बहुत होती हैं, कोई रनिंग वाला चला होता है, कोई पेंडिंग गाड़ी होती है, कोई किस तरीके का काम होता है, तो ये है भाई बात। ठीक है, हमारे को भी टाइम चाहिए होता है आपके कॉल के लिए, आपके मैसेज के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।